YouTube पर छेड़े जाने माने मोटिवेशन स्पीकर संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच जारी जंग के बारे में आप लोगों को मालूम होगा। विवेक बिंद्रा YouTube पर जाने माने मोटिवेशन स्पीकरों में से एक है। बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर विवेक बिंद्रा की अलग पहचान है सोशल मीडिया पर, जिनकी अच्छी खासी फॉलोइंग है यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। क्या स्टोरी रही है विवेक बिंद्रा की अब तक, कैसे शुरुआत हुई उनके करियर की, एक नज़र विवेक बिंद्रा की लाइफ पर। विवेक बिंद्रा का जन्म उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ 5 अप्रैल 1978 को। विवेक जब मात्र 2.5 साल के थे तब उनके फादर का देहांत हो गया था, जिसके बाद उनकी मदर ने दूसरी शादी कर ली। विवेक का बचपन अपने ग्रैंडफादर के साथ रहते हुए बीता है। विवेक को अपनी पूरी लाइफ में ना ही फादर और ना ही मदर का कभी साथ मिला और ना ही कभी इमोशनल सपोर्ट मिला, लेकिन विवेक को गेम्स खेलना और पढ़ना काफी पसंद था। विवेक ने अपनी स्कूलिंग दिल्ली में ही मौजूद सेंट जेवियर स्कूल से पूरी करी है। विवेक बिंद्रा की कई ऐसी वीडियोस रही हैं जिनमें वह कई बार खेलों को महत्व देते आए हैं। हार कर फिर उठकर खड़े होने की बात वह कई बार बोलते हैं। विवेक को खेलों के साथ साथ पढ़ने का भी काफी शौक था, इसलिए विवेक ने काफी यंग एज से ट्यूशन क्लासेस में पढ़ाना भी शुरू कर दिया था जब वह खुद ही एक स्टूडेंट थे, ताकि वह कुछ हद तक फाइनेंशियल भी स्टेबल रह सके, अपने सारे खर्चों के लिए अपने ग्रैंडफादर पर ही ना डिपेंड रहे। अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई खत्म होने के बाद विवेक ने ग्रेजुएशन की डिग्री सेंट जेवियर कॉलेज से प्राप्त करी है BBA में साल 2001 में। साथ ही विवेक को आगे पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने का भी मौका मिला था, जब उनका नाम आया था लंदन के एक बिजनेस स्कूल में, लेकिन अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के कारण उन्हें ये मौका हाथ से गंवाना पड़ा, जिसके बाद विवेक ने MBA कोर्स में अपना दाखिला लिया और MBA की डिग्री प्राप्त करी नोएडा के MIT कॉलेज से। अपनी ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद विवेक ने कुछ सालों तक एक सन्यासी के रूप में भी अपना जीवन बिताया है। इस कौन में सभी सन्यासियों की तरह ही सेवा करते और आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त करने के लिए शास्त्रों का आवाहन भी किया है। बल्कि उन दिनों जब वह अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते थे, उस दौरान उनके प्रोफेसर ने उन्हें गीता पढ़ने और गीता का अध्ययन करके अपने जीवन में उतारने की एडवाइस दी थी। विवेक बिंद्रा खुद भी मानते हैं गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन कैसे जिया जाए इस पर आधारित है। गीता से भी कई ऐसी सीख और पाठ हैं जिनके बारे में वह अपनी कई वीडियोस में बता चुके हैं। इस कौन में एक सन्यासी के रूप में जीवन बिताने के दौरान वह कई कॉर्पोरेट हाउसेज और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में गीता पर लेक्चर देने जाते थे, जिसके बाद इस कौन में ही मौजूद अपने गुरु के ही कहने पर वह संसारिक दुनिया में वापिस आए थे और शुरुआत करी थी कंसल्टेंट बिजनेस की 2012 में ग्लोबल एक्ट एकेडमी ऑफ कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग के नाम से, जिसे ही 2019 में विवेक ने बदलकर बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड कर लिया था। आज विवेक बिंद्रा के यूट्यूब चैनल पर 2,13,00,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, इंस्टाग्राम पर उनके 30,00,000 और फेसबुक पर 10,00,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। लेकिन हाल फिलहाल में चल रही कंट्रोवर्सी में, जिसमें मोटिवेशन स्पीकर संदीप महेश्वरी ने काफी तगड़े इल्जाम लगाए हैं, साथ ही विवेक बिंद्रा की वाइफ ने भी उन पर डोमेस्टिक वायलेंस का इल्जाम लगाया है, आप लोगों का क्या सोचना है इस कंट्रोवर्सी को लेकर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करिएगा हमारे साथ।